السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج جو ہے کوفتے بنانا ہم آپ کو سکھا رہے ہیں. دیکھیے آج کوفتے, یہ آدھا کلو فیما لیا ہوں, کوتمیر ہے اس کے اندر, اور یہ ہلدی, گرم مسالہ اور پھولی چینی کی دال ہے یہ, اور زیرہ پاؤڈر ہے, اور ادرک لہسن, ہری مرچی, کوتمیر, یہ جو ہے کاجو پیسٹ ہے, پیاز پسی ہوئی ہے, ٹماٹے کا پی ہوا ہے, پھر یہ ہے, اور یہ ہری گرین مرچی, پیاز, ادرک لہسن, گرم مسالہ, زیرہ, یہ جو ہے اس کے اندر جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, بیل کو ایکٹیویٹ کیجئے تاکہ آپ کو جو ہے میرے نئے نئے ڈشیں جو بھی ہے آپ کو فوراً سے فوراً ملے. اب شروع کریں گے ہم اس کو بنانا. تھوڑا سا ادرک لہسن, تھوڑا سا گرم مسالہ, تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر, تھوڑا سا نمک, ذائقے کے حساب سے نمک ڈال, اب اس کو گرائنڈ کر لیں گے اپن. چنے کی پھولی چنے کی دال کا پاؤڈر ہے, یہ میں بنا کے رکھا تھا, اس کے اندر ڈال کے مکس کر دیں گے. گیا دیکھیں, پیسے گیا. اب یہاں ویسے کوفتے بنا کے اس میں رکھ لیں گے, شین میں رکھ لیں گے کوفتے, بنا بنا کے رکھ لیں گے. جو بھی سائز ہونا ہے, اس سے چھوٹے ہونا ہے تو چھوٹے کریے آپ. بہت ہی جوسی اور بہت ہی اچھے بننے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. سب بنا کے رکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب بنا لیے ہیں, ابھی ہم اس کو فرائی کر لیں گے. ابھی اس کو فرائی کر کے آپ کو بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہو رہا ہے, ہم جو ہے زیادہ اس کو پک کوک نہیں کریں گے, نکال لیں گے. کیا کروں شیف, کھا کے دیکھو. تیل گرم ہو گیا, یہ پیاز ہم رکھیے جلدی ہونا, بالکل گولڈن گرم کرنے کے لیے
सब्जी ज़्यादा होना देखिए, थोड़ा सा प्याज दो बड़े बड़े डंडी ले लिया हमने। ये तेज पत्ता और दालचीनी इलायची डालना। अच्छा से भून लेंगे, भून के जो है बनाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल को एक्टिवेट कीजिए ताकि मेरे डिशें जो है आपको फौरन से फौरन मेरे जो भी नए डिशेज हैं। ज़्यादा नहीं पकाएंगे उसको हम, अदरक लहसुन डालेंगे, अभी हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, उसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, टमाटर पेस्ट डालेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। जीरा पाउडर डाल देंगे, ये और थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक डालेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हमको जितनी होना है ग्रेवी बना सकते हैं आप, मतलब मेहमानों के हिसाब से, घर के वक्त के हिसाब से आप बनाइए इसको। अभी हम गरम मसाला नहीं डाले, गरम मसाला डालेंगे, बिस्मिल्लाह। साइड में रख दिया था दही, बताना भूल गया आपको, तो दही प्लेट के साइड में रख दिया था। दही डाल दिया इसमें, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत ही मज़ेदार के कोफ्ते बनेंगे, ज़रूर ट्राई करिए इसको। आज हैदराबाद के लिए है ये डिश। बना के रखा था हमें, काजू पेस्ट डालेंगे इसमें, थोड़ा मैं अलग हिसाब से बना रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए, ज़रूर ट्राई करिए, आप आपको पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हरी मिर्ची डाल दे रहा हूँ, गरम मसाला भी डाल दे रहा हूँ, हम कोफ्ते छोड़ देंगे इसमें। कोथमीर डालेंगे हम,
अब इसको बंद कर देंगे 10-15 मिनट के लिए। रेडी हो गया, अब हम इसको डिश आउट करके हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी जूसी बनेंगे बहुत। और आप सेम ट्राई करिए, मेरे मैं जो बनाया हूँ जैसा वैसे ट्राई करिए आप, इंशाल्लाह ताला आप बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को सबको बहुत पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई करिए आप, इसको फीडबैक ज़रूर दीजिए मेरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जो है डिश आउट कर रहे हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ गए हैं देखिए टेबल पे, डिश आउट कर दिए हम। और ट्राई करिए इंशाल्लाह ताला, ज़रूर आपको पसंद आएंगे, बहुत ही मज़ेदार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़ा अपना आइडिया से अलग हट के बनाया हूँ थोड़ा मैं। देखिए यार, ज़रा थोड़ा गो इसका जो खीमा भी ज़रा थोड़ा मोटा मोटा रखा हूँ मैं, ताकि जो है दांत में आए तो मज़ा आना उसका चाटने में। और अब इजाज़त दीजिए, एक नई डिश के साथ हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक ये अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ रखे, इज़्ज़त के साथ रखे, अपने हिफ्ज़े इमान में रखे परवरदिगार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल को एक्टिवेट कीजिए और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए इंशाअल्लाह ताला। फिर एक नई डिश के साथ हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल, बेल आइकन एक्टिवेट करिए। थैंक यू।